खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस व मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना। और उसी रोज़ हफ्ते के पहले दिन शाम के वक्त, जब उस जगह के दरवाज़े जहां शागिर्द जमा हुए थे यहूदियों के खौफ से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। और ये कहकर अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए और यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है, मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूँ। उसने ये कहकर उन पर फूंका और कहा, तुम रूहुल कुदुस लो, जिनके गुनाह तुम माफ़ करो उनके मुआफ़ किए गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। इंजील मुकद्दस के वसीला से हमारी खताएँ मुआफ़ की जाएँ। काबिल एहतराम फादर्स, सिस्टर्स, मबशराने अंजील, तमाम इंतज़ामिया, अज़ीज़ भाइयों और बहनों, और ख़ुसूसी तौर पर हमारे ये नौजवान बच्चे जिनका इस्तेकाम होना है, आज हम सब के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है कि खुदा ने हमें ज़िंदगी दी है, सेहत दी है, और ये फ़ज़ल बख्शा है कि हम उसके हजूर आकर उसका शुक्र अदा कर सके। और ख़ुसूसी तौर पर हम अपने नौजवानों के लिए, नौजवानों, आप बच्चों, आप देखा कितने खुशकिस्मत हैं कि इस्तेकाम के मौका पर बिशप आपके लिए आते हैं। नमाज वैसे भी हो जाती है और आमद का इतवार भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन आप इतने अहम हैं, इतने हमारी कौम का सरमाया हैं, और सबको आप पर फ़ख्र है। आप अपने माँ बाप के चश्मो चिराग हैं और इसलिए देखते हैं कि हमेशा इस्तेकाम के लिए फिर बिशप आते हैं। तो हम ज़ोरदार तालियों में अपने बच्चों को कलीसिया में जो आमद का मौसम आज इतवार से शुरू हुआ है, और आज हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि खुदा ने हमें आमद का मौसम अता किया। कई लोग पिछले साल हमारे साथ थे, लेकिन इस साल हमारे साथ नहीं हैं। ये खुदा की मेहरबानी है कि खुदा हमें मौका देता है, क्योंकि खुदा ने हम में कोई चीज़ देखी है। हमें नहीं पता कि वो चीज़ क्या है, कोई ख़ास चीज़ है जो खुदा ही ने आप में देखी है, और खुदा चाहता है कि वो नेक काम जो आप करते हैं, वो नेकियां जो आप करते हैं, वो सुलह सफाई का काम जो आप करते हैं, वो प्यार और मोहब्बत जो आप बांटते हैं, जहां पर शक पैदा है वहां पर आप ईमान की पुख्तगी ले आते हैं, जहां पर हालात ख़राब है, मुश्किल है, वहां पर आप लोग एक नई उम्मीद लाते हैं। तो खुदा ये सारी चीज़ें हमें देखता है, और खुदा चाहता है कि हम इस बरकत को, रोशनी को और ज़्यादा मज़बूत करें। और इन्हीं दिनों में हम तलावतें सुनेंगे कि देख कौमों पर अंधेरा है, लेकिन तुझ पर खुदावन तुलू है, तुझ पर रोशनी है। दुनिया पर अंधेरा है, लेकिन तुझ पर रोशनी है, तू नूर में चलेगा। जो आमद के ये चार इतवार, पहला इतवार हम मनाते हैं और मोमबत्ती जलाई गई है, ये उम्मीद का निशान है पहला। तो हम इस हफ्ते में एक नई उम्मीद के साथ ये मौसम शुरू करते हैं, नई उम्मीद के साथ। इस नई उम्मीद में क्या चीज़ है जो आज तलावतों में भी हमने देखी है कि खुदा फरमाता है कि एक ऐसा वक्त आएगा जहां हर तरफ अमन हो जाएगा, सलामती हो जाएगी, अमन और सलामती होगी, और सब लोग खुदा की तरफ रुजू लाएंगे, सब लोग अपनी अपनी आदतें
जो इतनी अच्छी नहीं है उनको छोड़ देंगे, उनको छोड़ देंगे। जो हम सब ने मसीही बपतिस्मा हासिल किया और उस बपतिस्मे के फजल से हम खुदा के फजल के साथ बड़ी मजबूती के साथ जहाँ कहीं भी होते हैं, चाहे हम किसी जगह काम कर रहे हैं, चाहे अपने जगह घर पे होते हैं, चाहे हम किसी गली में खड़े हैं, चाहे किसी दुकान पर हैं, किसी मार्केट में हैं, लोग हमारी बोलचाल के ज़रिए से, हमारे किरदार के ज़रिए से दुनिया को समझ आती है कि ये शख्स थोड़ा सा आम लोगों से फ़र्क है, या फ़र्क है। आपकी ज़ुबान ही बता देती है, ज़ुबान, कि आप हरी को जी करके बात करते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं ख़रीदी तो भी थैंक यू कह देते हैं, अच्छा थैंक यू भाई। या अगर आप किसी चीज़ का भाव पता कर रहे हैं कि ये आलू कैसे हैं या टमाटर कैसे हैं, तो किसी के साथ लड़ते नहीं, कहते हैं कि चलो 2 रुपये कम हो सकते हैं कि नहीं। अगर वो कहे कि नहीं तो भी चलो ठीक है, लड़ना तो नहीं है, फिर भी आप शुक्रिया कहते, थैंक यू। ऐसे ये ज़ुबान, ज़ुबान यही एक बहुत बड़ी चाबी है, कुंजी है, जो आपके ताल्लुकात को बरकरार रखती है। ज़ुबान, कि आपकी ज़ुबान कैसी है, आपका लहजा कैसा है। आप हो सकता है बहुत रोज़ ही हो सकता है कि आप रोज़ देगे उतारते हों, रोज़ देगे उतारते हों, हो सकता है आप रोज़ 100 लोगों को खाना खिलाते हों, लेकिन अगर आपकी ज़ुबान में करख्तगी है, अगर ज़ुबान कह दे परा चल इनू उधर बिठाओ, है कौन आ गया जे, तो आप चाहे जितनी मर्ज़ी खरीद करते रहें उसका कोई फ़ायदा नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। और एक बंदा गरीब हो, उसके पास कुछ भी ना हो, और उसको ही कहा जाए ना कि भाजी थोड़ा जा राह दियो जे, या बाजी थोड़ा जा राह इधर दियो जे, और वो कहे ना कि अच्छा जी तुसी पहला गुजर जाओ, वो लोग समझते हैं कि ये कोई बंदा फ़र्क है, ये उसकी ज़ुबान है, उसका लहजा है। उसकी ज़ुबान से ही एक नई उम्मीद मिलती है, उसके कहने से ही एक नई उम्मीद मिलती है। और ये जो हफ्ता है ये हम उम्मीद का हफ्ता है, यानी हम ये उम्मीद रखते हैं कि मैं वाकई बहुत अच्छा हूँ। इस हफ्ते में आपने अपने अंदर अच्छाई देखनी है, हो सकता है कि आप अपने अंदर अच्छाई देखें, लेकिन कि मैं चलो जितने मर्ज़ी दिन में हम काम करें, लेकिन मैं सुबह उठकर ही बाप बेटा करके अपने दिन का आगाज़ करता हूँ। बिस्तर से उठता ही हूँ, जाग खुलती ही है तो मैं बाप बेटा करता और खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदाया तूने मुझे एक नया दिन अता किया है। इसके बाद मैं अपने घर वालों के साथ भी अच्छे तरीके से बातचीत करता हूँ, जो भी हो उसको काम कुम करना, स्कूल वाले बच्चे तैयार होकर स्कूल जाते हैं, तो अजीज़ों उसके दिन का आगाज़ ही एक नई उम्मीद के साथ होता है, खुशी के साथ कि सूरज निकल आया है, नया दिन है, नई उम्मीद है, और मैं उम्मीद का पियाम्बर हूँ। उम्मीद, जहाँ मायूसी है मैं वहाँ पर उम्मीद नहीं लाऊँगा, उम्मीद नहीं लाऊँगा। और हो सकता है फिर हम इस हफ्ते यही सोचें कि ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मुझे मिलनसार इंसान बनाया है, मिलनसार, कि मैं हरी को बड़ी खंदा पेशानी के साथ मिलता हूँ हरी को ही। अगर किसी चीज़ का कभी इनकार भी करना हो तो भी मैं अच्छे तरीके से करता हूँ कि ये चलो आज नहीं मैं तुम्हारी मदद कर सकता, कल सही या परसों सही। लेकिन ज़ुबान जो है वो ठीक है, ज़ुबान में हम नहीं कहते जा तो सू तंगी कर दें जो जाओ पा जाओ, ज़ुबान में करख्तगी नहीं है ज़ुबान। तो ये एक नई उम्मीद है कि हम अपने घर के अंदर भी एक नया माहौल बना लेंगे, हम इस उम्मीद पर कि यीशु मसीह आ रहे हैं और यीशु मसीह ने हमें एक नई ज़ुबान सिखाई है, और यीशु मसीह की ज़ुबान में प्यार है, यीशु मसीह की ज़ुबान में मोहब्बत है। यीशु मसीह ने अपने मुखालफों को भी कभी बुरा भला नहीं कहा, यीशु मसीह ने उनको भी कहा है बाप इन्हें माफ़ कर। तो ये एक बात है, एक नई उम्मीद है, और हम अपने अंदर भी अच्छी चीज़ें देखेंगे कि मैं मिसाल के तौर पर जैसे मैंने कहा कि सुबह उठकर ही हम जब दुआ करते हैं, बाप बेटा का निशान करते हैं, अपने बिस्तर से उठते हैं, एक नई उम्मीद के साथ
हम घर वालों को अच्छे तरीके के साथ मिलते हैं, ये खुदा ने खूबियाँ आप में दी हैं, और उसके साथ हम अपने अपने कामों पे जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, खुशी के साथ जाते हैं और अच्छे नंबर लेने की उम्मीद रखते हैं। अच्छे नंबर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ले सकते हैं ना। तो ये अच्छे नंबर लेने की उम्मीद रखना और सच्चाई पर कायम रहना। सच्चाई ये है कि खुदा ने आपको और मुझे अशरफुल मखलूकात बनाया है, और ये भी सच्चाई है, हकीकत है कि दुनिया का कोई भी इंसान हो, उसका सिर चाहे इतना बड़ा हो या छोटा हो, जो जहन है, मग्ज है जिसे कहते हैं, उसका वज़न तकरीबन हर एक का एक ही जितना है। तो जब इस उम्मीद के साथ हम सुबह उठते ही हैं कि खुदा ने मुझे भी उतना ही वज़न का जहन दिया है जितना दूसरे का है, तो अगर ये बच्चा भी 100 नंबर ले सकता है तो मैं भी 100 नंबर ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये सच्चाई है जिसको जानना है। उम्मीद फिर पैदा होती है, वरना उम्मीद अगर इधर लिख भी ले के उम्मीद, तो हो सकता है कि इधर उम्मीद लिखी हो और बंदा सारी परेशानियाँ दिया गलां करे, मायूसियाँ, आप भी रोवे, दूजे नूं भी रवाए, तो दुखी दुखी बन के गलां करे, तो दो चार लोग होर भी दुखी दुखी वो कोल आके बह जाए, तो दुखियां का एक टोला जहा बन जाए, तो वो फिर उम्मीद नहीं फिर वो दे सकता। हाँ, जिहड़ा दुखियां का टोला बन जाएगा वह दूजियां दी फिर बह के बुराइयां ही करता रहेगा, वह वेखो जी उन्हें की कर छड़िया, जी उन्हें की कर छड़िया, जी वेखो जी, क्योंकि ये जो दुखी लोग हैं ये दूसरों को भी दुखी करते और खुश होते हैं कि वाहवा दुखी लोग इकट्ठे हो जाए, तो दुखा दी गलां करते हैं सर, दुखा की एक ढेरी जी बना लेंगे ने उत्थे बह रहे। लेकिन हम दुखी और मायूस लोग हैं या उम्मीद दिलाने वाले लोग हैं? हाँ, उम्मीद दिलाने वाले लोग हैं, क्योंकि आमद का पहला इतवार ही उम्मीद की है, होप, साइन ऑफ होप। तो जी जो अपने अंदर भी इस हफ्ते हम अच्छी चीज़ें देखेंगे कि कौन सी अच्छी चीज़ें जिससे मैं दूसरों में एक नई उम्मीद पैदा कर देता, अपने अंदर भी देखनी है। सच्चाई क्या है कि दुनिया के सब लोगों का जहन का वज़न एक ही है, तो ये एक सच्चाई है। हम उस सच्चाई पर ईमान रखते हैं कि खुदा ने मुझे, ये नहीं कि मैं मसीही हूँ तो मैं थोड़ा सा या ज़्यादा हूँ या कम हूँ या मुझे गरीब सा बनाया है। तो कई लोग यही कहते हैं कि पता नहीं हम मसीही हैं शायद इस वजह से ऐसा ही है, तो ये बात नहीं है। हम ये सोचेंगे कि हम अफजल हैं, बपतिस्मा याफ्ता हैं। तो जिस घर में ये उम्मीद आ जाएगी कि हम उम्मीद दिलाने वाले लोग हैं, अगर किसी जगह मायूसी भी हो, परेशानी भी हो, हम वहाँ पर भी उम्मीद की बातें कर सकते हैं। हम उम्मीद की बातें कर, हम फिर अपने अंदर देख सकते हैं कि हम मिलनसार हैं, हम दूसरों की मदद करने वाले, अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत मदद कर सकते। दूसरी बात कि मदद जो है वो ज़रूरी नहीं कि पाई पैसे की हो। अगर कोई बीमार है तो उसका जाकर हाल पूछना, उसमें एक नई उम्मीद पैदा कर देना, नई उम्मीद पैदा, उसको जाते ही मिसाल के तौर पर कह सकते कि खुदावंत के फजल से तुम ठीक लग रहे हो और ठीक हो जाओगे। ये नहीं कि जाते ही आखना हाँ तेरिया तो अखा ही खट्टिया जी नज़र आ रही, वो बंदा दिल गौर परेशान हो जाए, वो दिल करे तो बंदा चला जाए मिलन वाला, वो दिल करे जाके बार बार शीशे च ही वेखे अखा खट्टिया जी नज़र आ रही कि नहीं आ रहा, ना भी हो तो शाम तक खट्टिया हो जाए। तो जीजो ये एक बात है, इस बात पर उम्मीद रखना कि असल में मैं उम्मीद का पयाम्बर हूँ, उम्मीद फैलाने वाला हूँ, नई जिंदगी की तरफ चल रहे हैं। ऐसे ये जो जिंदगी है इसका किसी को नहीं पता। यीशु मसीह ने लोगों में एक नई उम्मीद पैदा कर दी, यीशु मसीह ने एक नई उम्मीद पैदा की और यही बताया कि तुम दुनिया का नूर हो। शागिर्द भी परेशान हो गए कि असी दुनिया का नूर हाँ, असी लगते हैं नूर, क्योंकि वो माहीगीर थे, लेकिन उनको पता चल गया कि वाकई हम ही नूर हैं। हमने दुनिया को रास्ता दिखाना है, हमने रे का चलना है, और उनको पता था कि अब हमें पता चला है कि पहले आपने देखा यीशु मसीह ने लोगों को रोटी खिलाई और लोग उसके बाद यीशु को ढूंढते रहे कि यीशु मसीह रोटियाँ खिलाएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस रोटी को ढूंढते हो, आसमान की तरफ देखो। यीशु मसीह ने उनको बताया कि इस रोटी के लिए फिक्रमंद नहीं होना,
अपना ताल्लुक किस रोटी के लिए नहीं, खालिक से जोड़ के रखो, राजिक से जोड़ के रखो, क्योंकि देने वाला राजिक है। और हकीकत यह है कि यह तो सब ख़त्म हो जाएगी। ऐसे इंसान जितना भी जहीन हो उसकी जहानत भी ख़त्म हो जाती है, जितना भी तगड़ा हो वो भी एक दिन कब्र में जाएगा, गरीब होगा वो भी कब्र में जाएगा। लेकिन जिसने इस हकीकत को जान लिया कि बिलाखर ना कोई रोटी चीज़ है, ना कोई ऐसा मोबाइल बड़ी चीज़ है जिसके पीछे लोग एक दूसरे को मार देते हैं, असल में ताल्लुक खुदा से जोड़ना है, तो जिसने अपना ताल्लुक खुदा से जोड़ लिया उसको अगर पराठा ना भी मिले तो वो रोटी, सूखी रोटी भी खाकर खुदा का शुक्र अदा कर सके, खुदा का शुक्र अदा कर, वो शुक्र यही अदा करेगा कि खुदाया मैं तेरे राज़िक होने पर यकीन रखता हूँ, और ऐ खुदा मैं तेरी ला महदूदियत पर यकीन रखता, तू ला महदूद है, तू इतना अजीम है। और फिर हम फख्र करते हैं, मेरा उस खुदा पर ईमान है जो ला महदूद है, जो सबका खुदा है, सबका खुदा है। अब मुझे पता चला कि वो सबका खुदा है, वो इसको भी रोटी देता है, उसको भी रोटी देता है, किसी को पराठे दे रहा है, किसी को समोसे दे रहा है, लेकिन भूखा मैं भी नहीं सोता, मुझे भी कुछ ना कुछ खुदा देता है। तो जब हम इस ईमान पर आ जाते हैं फिर हम उम्मीद दिलाने वाले बन जाते हैं, कि हम उम्मीद दिलाने वाले लोग हैं, हम हकीकत पसंद हैं। और हकीकत यही है कि ये दुनिया की चीज़ें एक दिन ख़त्म हो जाएंगी सब, और हम आसमान की तरफ, क्योंकि हमारा ध्यान ऊपर की तरफ है, आसमान की तरफ है, और हम ये ईमान रखते हैं। और मैं इसलिए भी सच्चाइयों को फैलाता हूँ कि वहाँ पर सिर्फ मैं नहीं चाहता कि मैं अकेला ही जाऊँ, सब लोग ही उधर जाएँ, सब लोग जाएँ, क्योंकि यीशु मसीह इसीलिए तो दुनिया में आए ताकि वो दरवाज़ा जो माई हवा और बाबा आदम की नाफरमानी से बंद हुआ वो दरवाज़ा खुल जाए, और वो दरवाज़ा खुल गया है। यीशु पर ईमान लाने वालों के लिए वो दरवाज़ा खुला है। यही हम रसूलों के अकीदे में पढ़ते हैं, बरज़ख में उतरा तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और खुदा के दाहिनी तरफ बैठा है। ये हमारे ईमान की उम्मीद जो है वो यही है, इस पर हमारा ईमान है। जो आज आमद का ये इतवार है, और आमद के पहले हफ्ते में हम अपने रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में इन बातों पर ही सोचते रहेंगे, जैसे मैंने कहा बात पहले की, अपनी ज़िंदगी पर गौर करते रहेंगे कि मैं वाकई ही, मैं सुबह उठकर खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, दिन में कोई टाइम मिलता है मैं कलाम ज़रूर पढ़ता हूँ, या कलाम अगर मैं ना भी पढ़ सकूँ अपने ख़ानदान के साथ मिलकर दुआ करता हूँ। जब हम खाना खाते हैं हम एक दूसरे का इंतज़ार करते हैं, मिलकर खाना खाते हैं, मिलकर खाना खाते हैं तो हम मिलकर खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और जिस घर में मिलकर खाना खाते हैं और दुआ करते हैं वहाँ पर बच्चों को एक एहसास पैदा हो जाता है कि राज़िक वही है, उसने ये खाना में दिया है खाना, लेकिन खुदा ने रोटियाँ नहीं पका के दी, खुदा ने हमें अच्छे माँ बाप दिए, और ये अम्मी ने अच्छी अच्छी रोटी पकाई और अब्बू ने अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आए थे। तो वो बच्चे जहाँ पर माँ बाप खाने पर दुआ करते और मिलकर खाना खाते हैं वहाँ बच्चे ना सिर्फ खुदा का शुक्र अदा करते हैं अपने माँ बाप के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं, माँ बाप के लिए। अब देखेंगे उस घर में बातचीत हमेशा फ़र्क होगी, उस घर में हर बात जो है उसका लहजा फ़र्क होगा, बात कहने का अंदाज़ फ़र्क होगा, क्योंकि उन्होंने अपने आप को भी और आने वाली इस नस्ल को मजबूत कर दिया है। और ये वो बात है जो तस्निया शरा की किताब में कही गई कि तू इन बातों को अपने बच्चों और बच्चों के बच्चों को भी सिखा ताकि तेरा भी भला हो। जो जिसने अपने बच्चों को ये सिखा दिया, जैसे मैंने पहले कहा, हो सकता है कि उनकी आमदनी कम हो, आमदनी कम हो, लेकिन ये मैं आपको यकीन से बताता हूँ कि इस घर के बच्चे जो हैं माँ बाप को इनका कभी कोई लामा गिला नहीं आएगा, इन अदर कुछ नहीं, क्योंकि इन बच्चों ने यह भी सीख लिया है कि अच्छा वक्त भी हो सकता है और थोड़ा थोड़ा मुश्किल वक्त भी हो सकता है, तो मुश्किल वक्त में खुदा से मदद लेनी है और खुशियों में खुदा का
शुक्र अदा करना, ये इन्होंने सीख लिया। दुनिया का एक कुछ इलाके का सर्वे किया गया, एक ऐसे ही सर्वे किया गया कि कौन से इलाके ऐसे हैं या ख़ानदान जहां पर बच्चों में बड़ा सब्र है और बच्चे किसी नशे की तरफ नहीं गए, यानी शराब, चरस, सिगरेट, इन कामों की तरफ बिल्कुल नहीं गए, वो कौन से ख़ानदान हैं। तो पता ये चला कि कई ख़ानदान जो बिल्कुल गरीब थे, बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन उनके घर में मजहबी कदरें, मज़हब की बात उनके घर में बड़ी मजबूत थी। थोड़ा था, आमदनी थोड़ी थी, लेकिन वो उस घर के अंदर खुदा का नाम लिया जाता और खाना मिलकर खाते और खुदा का शुक्र अदा करते। उस घर के बच्चे ना सिगरेट पीते ना नशा करते, लेकिन कई घराने जो बड़े बड़े अमीर भी थे और वहाँ पर नशा भी होता, शराबें भी हुई। फिर एक ऐसे भी लोग जो कम, मतलब इतने अमीर नहीं थे, लेकिन वहाँ भी जहाँ पर खुदा का नाम नहीं लिया जाता, उनके पास चीज़ें बड़ी थी, खुदा का शुक्र नहीं किया गया, इतना नहीं किया गया और ना ही खुदा का शुक्र अदा करना सिखाया गया। वहाँ जब बच्चों पर प्रेशर पड़ा, अच्छा प्रेशर ये नहीं कि दूसरे प्रेशर, माशरे का प्रेशर भी कि यार ये देखो वो बंदा कैसा लगता है, वो बंदा कैसा लगता है, वो उस बंदे को अपना हीरो बनाकर वो नशे में चले गए। जब वो चीज़ें ना हासिल कर सके, वो नशे में चले गए। इसलिए जिस घर के अंदर रिज़्क चाहे थोड़ा हो, आमदनी थोड़ी हो या बहुत भी हो, ये नहीं बात कि मैं कर रहा हूँ कि कम आमदनी है, जिस घर में आमदनी थोड़ी भी हो या जिस घर में करोड़ों रुपया हर रोज़ कमाते हों, लेकिन जिस घर में खुदा का नाम लिया जाएगा और बच्चों को सिखा दिया जाएगा कि राज़िक वही है, हम तो ज़रिया हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं, ये जो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, हमारे हाथ सिर्फ मेहनत करने वाले हाथ हैं, लेकिन इन हाथों को बरकत देने वाला खुदा का हाथ। जब बच्चों को ये समझ आ जाएगी कि मेहनत हम करेंगे, मेहनत वाले हमारे हाथ हैं और बरकत वाले खुदा के हाथ में, तो वो कोई कमी नहीं होगी। जो आज जब हम अपने लिए एक प्लान करते हैं, और प्लान यही है कि आमद के ये चार इतवार हमने कैसे मनाने हैं, चार इतवार, और पहला इतवार क्योंकि उम्मीद का इतवार है, हम एक नई उम्मीद दिलाने वाले, उम्मीद के पयाम्बर, जहां पर हम अपने पर भी उम्मीद रखते हैं कि हम वाकई ही, हम हमेशा हमारे चेहरों पर, घर वालों पर हम उम्मीद की बातें करेंगे। जब कोई मायूसी भी हो जाए, कोई बीमार बीमार भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि सारे बीमार को देखकर परेशान हो गए, सारे रोंडा पे परेशान, नहीं नहीं, उम्मीद की बात करेंगे, उम्मीद की बात, अच्छे मुस्तकबिल की बात, बच्चों के लिए अच्छा मुस्तकबिल, अच्छे हालात की बात करेंगे, कलाम पढ़ने की बात करेंगे, उम्मीद की बात। तो जीजो इस तरह से ये हफ्ता हमारा पूरा, आप इस इतवार से अगले इतवार तक आप यही बात सोचते रहें, अपने लिए भी एक छोटा सा होमवर्क करें। जब आपके पास कोई आए भी, अगर कोई परेशान है, मायूस है, बीमार है, कुछ भी है, उसकी बात सुनना। ये जो सिनेडल चर्च की बात की गई आज, सिनेडल चर्च, पापा आजम भी यही कहते हैं कि सबसे पहले आप सुने, आप सुने, सुनने के बाद किसी को उम्मीद दिलाएं, सुने, सुनने के लिए एक दूसरे के लिए वक्त रखना। हमारे पास आजकल एक दूसरे के लिए वक्त नहीं है, बहुत कम है, लोग ख़ानदानों के पास भी एक दूसरे के पास एक दूसरे के लिए वक्त नहीं है, मियाँ बीवी, बहन भाई, बच्चे, कई दफ़ा ये है कि बंदा हो सकता है कि वो सारा दिन घर में आए ही नहीं, क्योंकि वो कमाने का उसको बहुत शौक़ है और कमाते कमाते वो रात 11-12 बजे घर आता है, तो जिनके लिए वो कमाता है वो फिर रात वो भी 11-12 बजे आते हैं, तो ना बाप को पता है बच्चे कहाँ हैं, ना बच्चों को पता बाप कहाँ, तो सारे कमा रहे हैं। सबको पता है कि इस घर को हमने, इस छत के नीचे इकट्ठे रहते हैं, लेकिन इस घर में सब अजनबी हैं, कोई भी किसी के साथ उसकी इतनी बनती नहीं, सब अजनबी।
तो आज मैं सोचता हूँ कि एक नई उम्मीद के साथ, और आज क्योंकि बच्चों का इस्तेकाम भी है, तो जब रूल कुदुस शागिर्दों को मिला तो वो सब एक कम्युनिटी बन गई, एक जान बन गई। और उसी छत के नीचे क्या लिखा कि रूल कुदुस आग के शोलों किसी जुबानों में उन पर उतरा और वो फर्क फर्क जुबानें बोलने लगे। ऐसी जुबान के हरि को समझ आने लगी कि ये क्या बोलता है, हरि को समझ आ गई। जो आज हम भी खुदा से ही दुआ करेंगे, दूसरे हफ्ते का भी हम यही प्लान कर लेंगे कि अगले हफ्ते में भी हमने इसी तरह से ही एक प्लान करना है, और तीसरे हफ्ते में खुशी की मोमबत्ती जलाई जाएगी। खुशी की मोमबत्ती में भी हम यही करेंगे कि अब हम पहले से भी ज़्यादा खुश रहना शुरू करेंगे, खुदा की दी हुई बरकतों को देख देख कर खुश होंगे, लोगों को देख कर खुश होंगे। और उसके बाद मोहब्बत की, जब यीशु मसीह बिल्कुल आने के करीब है, मोहब्बत की शमा जलाई जाएगी कि हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। यीशु मसीह ने क्योंकि हमें हुक्म भी दिया कि एक दूसरे को प्यार करो। जो इस प्यार में, मुझे थोड़े दिन पहले की बात है, मैं बिशप हाउस में था तो एक बंदा मुझे मिला, तो मुझे कहने लगा कि बिशप जी ये काफ़ी मुश्किल ही बात कि हरि को प्यार करना। मैंने कहा है तो ये मुश्किल बात ही, तो मैंने कहा आप इसे कैसे समझते हैं। कहने लगा कि मैं ये सोच रहा था कि मेरा बेटा भी था और मेरा भतीजा भी था, तो कोई चीज़ थी और एक उनका दोस्त भी था, तो तीन ये बच्चे थे। तो कहने लगा कि मेरे जहन में ये बात आई कि मैं अपने बेटे को तो ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैंने कहा ये सही बात है, तो अपने भतीजे को थोड़ा सा कम प्यार करता हूँ। मैंने कहा ये भी ठीक बात है। तो जो उनका दोस्त आया हमारे घर में, क्लास फेलो हैं ये, सारी पढ़ते इकट्ठे ही पढ़ते हैं, तो उनको थोड़ा सा और कम प्यार करता हूँ। मैंने कहा ये भी ठीक बात है। तो कहने लगा यीशु मसीह ने कहा हरि को प्यार करो। तो मैंने कहा कि आप प्यार तो फिर सबको ही करते हैं, लेकिन प्यार के दर्जे फ़र्क फ़र्क है। कहने लगा अच्छा, एक दिन इसी समझ आई। मैं कहने इसके दर्जे फ़र्क हैं क्योंकि जो आपका बेटा है, आपकी औलाद है, वो खुदा ने आपको औलाद अता की है, और इस औलाद का हिसाब खुदा ने आपसे पूछना है कि आपने अपने बच्चों को खाना भी दिया और उनकी मसीही तरबियत भी की कि नहीं की। तो अगर आप अपने ही औलाद की तरबियत ना करें और सारा वक्त सोशल काम करें, आप अस्पतालों में जाके खून लोगों को देते रहें लेकिन अपनी औलाद का आप ख्याल ही ना रख सके, तो आपने तो तबाही कर दी, एक नस्ल ख़राब हो जाएगी, वो नस्ल बेरारवी का शिकार हो जाएगी। जिनको आप दुनिया में लाए उसकी आप तरफ, उसके लिए कुछ भी नहीं कर सके। तो मैंने कहा ये बात यही है कि आप अपने बेटे को भी बिस्किट दें, और अगर आपके पास बिस्किट है तो अपने भतीजे को भी दें और तीसरे को भी दें, यही सबसे है। और दूसरी बात ये कि अगर आपके बच्चे के पास बिस्किट नहीं है और आप जो उसका दोस्त है, अगर वो चॉकलेट खा रहा है तो उसको चॉकलेट नहीं छीनना, उसके लिए दुआ करें खुदाई ने भी दे हमें भी दे। तो नफरत किसी से नहीं, ये तीन बच्चे हैं, आपका भतीजा भी है, बेटा भी है, एक दोस्त भी है, लेकिन नफरत किसी से नहीं, और हर एक उसके दर्जे के मुताबिक उसकी उसका एहतराम करें, इज्जत करें। यह है यीशु मसीह ने सिखाया कि हरि को प्यार करो। जब अपने बेटे के दोस्त को भी आप प्यार करेंगे तो वो बच्चा भी जाकर आपने घर में आपकी तारीफ़ करेगा कि ये एक मसीही बाप है, ये है वो है, बड़ा अच्छा है। जब हम उनके घर में जाते हैं बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं। तो यीशु ने जो कहा एक दूसरे को प्यार करो, वो ये है कि हरि के प्यार की एक एक जगह भी है, हरि की जगह है उसका, लेकिन नफरत किसी से नहीं, नफरत किसी से नहीं, हसद किसी से नहीं। जिसने ये सीख लिया, अगर कोई मिसाल के तौर पर जलेबियाँ खा रहा है तो उसको देखकर परेशान होने की क्या ज़रूरत है, वो भी खाए, और हमारे पास अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, तो उससे नफरत क्यों करनी है या उसकी बुराई क्यों करनी है, वो नहीं बात। तो यह है कि आप, इसका मतलब यह है कि आप नफरत से फ्री हो जाएं, नफरत से, हसद से फ्री हो जाएं, और अगर कोई पराठे खाता उससे भी खुश हों, कोई जलेबियाँ खा रहा उससे भी खुश हों, और अगर आपके पास है तो आप जो कुछ भी है उससे भी खुश हों। तो ये है आपकी अंदरूनी आज़ादी, और अवेयरनेस ये है
कि उसको दिया, खुदा ने उसको भी दिया, हमें भी कुछ ना कुछ दिया है। ये है हकीकत पसंदी और राज़िक का शुक्र अदा करते हैं। और वरना क्या होगा, हम पहले इसकी हसद, इससे हसद करेंगे, अगर नई बात बनती तो फिर इसको नुकसान पहुंचाएंगे और वो राज़िक को हम अपने ख़िलाफ़ कर लेंगे। ये नहीं है कि इसके ख़िलाफ़ हम हो जाएंगे, राज़िक भी हमारे ख़िलाफ़ हो जाएगा, क्योंकि राज़िक देने वाला वही है। हकीकत यह है। तो मेरी दुआ है कि खुदा आप सबको कसरत से बरकत दे और हम इन हकीकतों को और ज़्यादा समझें, और जो हसद से फ्री हो जाएगा, जो दूसरों की चीज़ें देख देकर परेशान नहीं होगा, उसकी सेहत वैसे ही ठीक हो जाएगी। हमारी बीमारियां कम हैं, असल में बीमारियां कम हैं, और बीमारियां हमारी कई बीमारियां हैं वो दूसरों को देख देख कर हुई हैं। मिसाल के तौर पर किसी को देख कर कि ओहो इन्होंने मोटरसाइकिल ले ली, उन्होंने वेख के दिल करे तो एवं ब्लड प्रेशर अपना तां ठाउना शुरू हो जाए। तो बीमारी पहले तो थी नहीं, अब होनी शुरू हो गई। अब गिरजे भी आए हैं, कईयों को देख कर आप बड़े खुश हुए, कईयों को देखकर परेशान हुई हो, अजय भी आए ने तो परेशान हुए, हालांकि नमाज ते आए ने, भाई नमो गिरजा तो सारे दे कर। तो अजीजो बीमारी असल में इधर कम है, जहन की वजह से ज़्यादा बीमारियां आ गई, बीमारियां जहन की वजह से ज़्यादा आई हैं। मिसाल के तौर पर कोई बात कर रहा था कि लोगों में शुगर हो गई, चीनी हो गई, चमचीनी, तो चीनी उंज घट होंगी है, चीना नुकता चीनी नाल ज़्यादा हो जाएगी, नुकता चीनी कर देंगे तो फिर आप चीनी हो जाएगी। तो ये एक आम बातें हैं, लेकिन यीशु मसीह ने हमको यही बात बताई, सब चीज़ों से आप आज़ाद हो। हकीकत यही है, ये है हकीकत के नहीं, भाई अगर कोई जलेबियाँ खा रहा है तो वो खाता रहे, मुझे क्या, अगर मैनू यह कपड़े अच्छे लगते हैं तो मैनू ही अच्छे लगने ने, मैं तुहाडे वेख के कपड़े परेशान हुआ, मैं परेशान भी होकर मैं कर की सकना, कुछ नहीं कर सकता, क्या कर सकना कुछ नहीं। तो जो खुदा ने उसको दिया उसके लिए भी खुश हो, और जो माड़ा मोटा मुझे दिया उसके लिए भी खुश हो, है ना। तो यही एक बात है, आज़ादी यह है। तो हम ये जो हफ्ता है ये हम नई उम्मीद दिलाने वाले लोग बन जाए। तो हम उम्मीद दिलाने वाले, मायूस लोगों को ज़िंदा रहने की एक नई किरण देने वाले लोग बन जाए। मायूस जो लोग हैं, बीमारों को अपने चार एक लफ्ज़ से उनके अंदर एक नई उम्मीद पैदा करने वाले लोग बन जाएंगे। मेरी दुआ है कि खुदा आपको कसर से बरकत दे ताकि आप और मैं आप यकीन करें, आपको देखकर बड़ा खुश हुआ, बहुत बड़ी तादाद में आए हैं, और मैं ये सोच रहा था कि अगर कोई पता नहीं 700-800 लोग, 1000 लोग होंगे, अगर हर बंदा एक एक लफ्ज़ भी उम्मीद का हर रोज़ बोलना शुरू करे, तो अगर हम 1000 लोग हैं और अगर हम इस हफ्ते में कोई एक एक बंदा 10-10 लोगों को मिले, तो ये तो कोई 70-80 हज़ार लोगों को एक नई उम्मीद मिल जाएगी। देखा रोशनी जो आप में है कितनी आगे बढ़ेगी। मेरी दुआ है ये रोशनी फैलाते रहें, उम्मीद फैलाते रहें, अपने घर में ये उम्मीद फैलाते रहें, बच्चों के साथ मिलकर खाना खाते रहें, खुदा का शुक्र अदा करते रहें, ताकि ये 2021 का आमद का ये पहला इतवार आप सबके लिए बरकत का बायस हो। और ये 21 है ना, 21 स्टार्ट हुआ है, तो आप अंदाज़ा करें कि ये जो 21 की दहाई है, 10 2030, हम ये 10 साल खुशियों के साल हों आप सबके लिए, मसीह खुदावंद के वसीले से।